जिंदगी है। पाओ शिक्षा, पाओ भोजन, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ जीवन। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, द फन एंड इजी वे to improve your verbal skills. Assalamu alaikum. Students, once again I am here. Shogat sir, for you people, just see today our topic is noun possession. Yeh hamara grammar topic hai aaj ka, noun possession. To dhyan se dekhe, aap pure lesson ko end tak dekhe, aur aapko ye samajh aa hi jayega. To aapko pata hi hai ki, you know about the noun, what the noun is. Now here the thing is, you should know about the possession. पोजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना? तो अब देखिए, पोजेशन जो है इट मीन्स बिलोंगिंग। आई विल राइट फर्स्ट, इट मीन्स बिलोंगिंग, ओके। इसका मतलब होता है बिलोंगिंग। यदि आपको पता नहीं है कि इसका मतलब, पूरी तरह से आपको पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आई टोल्ड दिस मीन्स बिलोंगिंग, ओके। नाउ वन मोर वर्ड आई कैन राइट, इट मीन्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ओके। तो आप देखिए, ऐसे भी आपको समझ में नहीं आ जाएगा, वन मोर वर्ड आई विल राइट फॉर यू पीपल, दैट इज इट मीन्स ओनरशिप, ओनरशिप। सो सी बेटा, आई रोट हियर थ्री वर्ड्स, नाउ आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट दीज वर्ड्स आर, इसकी मीनिंग क्या है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। पोजेशन का मतलब होता है बिलोंगिंग, बिलोंगिंग का मतलब होता है रिलेशनशिप, या रिलेशनशिप का मतलब होता है ओनरशिप। इसका मतलब क्या है कि जब हमें पोजेशन की हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज अपना होना, ठीक है ना, किसी चीज का। और एक मतलब भी है, देखिए, अगर आपको कोई बोले, कोई आपसे पूछे कि, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो ये पोजेशन है इसका मतलब क्या है, तो आपने इतने सारे बोल लिए, बिलोंगिंग, रिलेशनशिप, ओनरशिप, लेकिन इसके अलावा भी आप बोल सकते हो। अब देखिए, आप इतना ही याद रखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि पोजेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, सो योर आंसर शुड बी एट द टाइम, आपका आंसर यहां पे होना चाहिए कि इसका मतलब होता है समथिंग बिलोंग्स टू समवन, समथिंग बिलोंग्स टू समवन। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज किसी का होना, बिलोंगिंग, यानी कि इसका मतलब, पोजेशन का मतलब होता है कि समथिंग बिलोंग्स टू समवन, किसी चीज को अपना दिखाना, ठीक है ना, यही मतलब होता है। अगर मैं कहूंगा कि ये पेन जो है ये मेरा है, ठीक है ना, मैं कहूंगा ये पेन ये मेरा है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, फर्स्ट यू डू वन थिंग, जस्ट वॉच दिस वीडियो, देयर आर द सेंटेंसेस, यू वॉच देम केयरफुली, तो उनको देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई सवाल जरूर आ जाएगा, उसके बाद मैं लेसन को आगे तक ले जाऊंगा, और फिर लास्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो जो है इसमें जो सेंटेंसेस थे, ये सेंटेंसेस असल में क्या थे। तो फर्स्ट वॉच दिस नाउंस। Look at the following sentences Ricky uses to tell about things that belong to his friends. This is Natasha's skirt. This is Tom's hat. This is Dan's photograph. This is Nikki's cat. He uses apostrophe S, a special sign, to talk about these things. It is called an apostrophe and S. A noun can show what it owns or possesses. तो आप लोगों ने वीडियो भी देखा, पहले आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये क्या है। अब देखिए, नाउन पोजेशन जो मैं कह रहा था, बिलोंगिंग, रिलेशनशिप है, ओनरशिप। तो आप देखिए, फॉर एग्जांपल, आप मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल आई विल राइट हियर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, द कार बिलोंग्स टू अमित। मैंने लिखा कार जो है वो अमित की है, ठीक। अब हम इसको, इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आई कैन राइट हियर ओनली अमित्स कार। अमित्स कार का मतलब क्या होता है कि अमित की गाड़ी है। पहले भी सेंटेंस में पता चलता है कि कार जो है वो अमित की है, और दूसरे सेंटेंस में भी पता चलता है कि कार जो है वो है किसकी, अमित की है। असल में क्या है कि यहां जो दूसरा सेंटेंस है ये बहुत ही शॉर्ट हो गया है। कैसे शॉर्ट हो गया है, आई एड हियर एपोस्ट्रोफी एस।
This is the lesson that you have to learn. तो possession का मतलब क्या होता है? Belonging. Belonging मतलब relationship या ownership. ये कैसे दिखाते हैं possession या relationship कैसे दिखाते हैं? अगर आपको दिखाना होगा कि ये चीज मेरा है या वो चीज फलानी आदमी का है तो कैसे दिखाएंगे? In English we have to add apostrophe s. This is apostrophe s. So possession means we have to add there apostrophe s to show belonging, to show ownership of a thing. ठीक है ना, तो ये apostrophe s है. अब मसला है सर, where we will use this apostrophe s. असल में आपको यही सीखना है कि इसके uses जो है कहां पे इस्तेमाल करेंगे हम apostrophe s. ठीक है ना, तो आप देखेंगे वही हम सीखेंगे इस टाइम. देखिए इसके लिए आपको rules है. The first rule is here. I will write the first rule, that is अगर noun, if noun is singular, okay? If noun is singular, आपको पता ही है singular और plural मैंने आपको सिखाया ही है. Singular means one. अगर noun singular है, for example, मैंने यहाँ पे लिखा, यही मैं लिखूँगा अभी. Amit, Amit is only one person. अगर noun singular है, then you have to add apostrophe s at the end of the word. तब जाके singular noun के last में आपको apostrophe s add करना है. I can write here Amit's. Amit तो मैंने लिखा, अब apostrophe s करेंगे. Apostrophe then s. तो बन गया Amit's. ठीक है ना, अब जो भी Amit का होगा, कोई भी चीज होगा तो हम कर सकते हैं वो add. For example, I write here, मैंने अभी लिखा था कि the car belongs to Amit. तो then I can write Amit's car. Amit की गाड़ी. आई बात समझ. Here the noun is singular, so you have to add apostrophe s. This is the first rule. Now, rule second, I will write here rule second. What that rule is, if the noun is plural, if noun is plural, see, if noun is plural, अगर noun है plural, ठीक है ना, plural का मतलब क्या होता है कि ये एक से ज्यादा है, तो क्या करेंगे उस टाइम हम. For example, see, I will write here a word, मैं यहां पे लिखूंगा boys. ठीक, तो अब मैंने क्या लिखा कि मैंने यहां पे boys लिखा, या मैंने लिखा यहां पे college भी, boys college. अब मुझे अगर आपको यही दिखाना होगा, इसकी पोजीशन दिखानी होगी, इसकी बिलोंगिंग दिखानी होगी कि बॉयज लड़कों का कॉलेज है. यहां पे देखिए नाउन जो है ये प्लूरल है, तो करेंगे क्या, इफ द नाउन इज प्लूरल देन वी हैव टू ऐड ऑन द एपोस्ट्रोफी. तो हमें उस टाइम क्या करना है, ऐड करना है खाली एपोस्ट्रोफी. कहां पे, एट द एंड ऑफ वर्ड, एट द एंड ऑफ वर्ड. ओके, वर्ड के लास्ट में हमें खाली apostrophe करना है ऐड, क्योंकि एस तो पहले से ही वहां पे है. तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा बॉयज, उसके बाद apostrophe एट द एंड, देन कॉलेज. इसका मतलब क्या होता है कि लड़कों का कॉलेज है. ठीक है ना, या लिखेंगे गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, लाइक दिस, गर्ल्स कॉलेज. क्यों, क्योंकि ये प्लूलर है और प्लूलर को वहीं से एस होता है, और हमें apostrophe एस दोनों नहीं लाने हैं, खाली लाना है हमें apostrophe at the end of the word. This is the rule second. Now see rule third. What is rule third? अगर noun, if the noun is plural, once again, if noun is plural, अगर noun plural है but without s, without s. देखिए ऐसे भी plural nouns होते हैं जो s के बगैर आते हैं. ठीक है ना, मान लीजिए यहां पे मैं लिखूंगा, जहां पे मैं सिंगुलर नाउन लिखूंगा, दिस इज माउस, इसका प्लूलर आएगा माइस. देखिए ये भी नाउन है, ये भी प्लूलर है, लेकिन इसको लास्ट में एस नहीं है. तो अगर एस नहीं है, प्लूलर है, तो आपको पोजीशन बनाना होगा, इसका बिलोंगिंग दिखानी होगी. तो आप उस टाइम, आप एक काम कर सकते हो, आप उस टाइम दोनों ला सकते हो, apostrophe भी और एस भी. तो यहां पर बन गया माइसेस. आई बात समझ. या कहेंगे देखिए यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा चाइल्ड, चाइल्ड इज सिंगुलर नाउन एंड आई विल राइट इट इज प्लूरल, दैट इज चिल्ड्रन. अब आपको दिखाना होगा कि चिल्ड्रंस डे कैसे दिखाएंगे, तो सीधे चिल्ड्रन ऐसे लिखा, चिल्ड्रन लिखा, उसके बाद apostrophe एस, देन डे. सो चिल्ड्रंस डे, गॉट मी, चिल्ड्रंस डे. तो आप देखिए यहां पे जो नाउन है वो प्लूरल है ही, लेकिन इसके लास्ट में एस तो नहीं है, इसलिए मैंने दोनों लाए, apostrophe भी और एस भी लाए. सो दिस वाज ऑल अबाउट द नाउन पोजीशन. सो नाउन पोजीशन मींस बिलोंगिंग, इट मींस रिलेशनशिप, और इट मींस ओनरशिप. ठीक है ना, तो इसको करने के लिए क्या करना होता है हमें, वी हैव टू ऐड apostrophe s at the end of the word. तो वर्ड के आखिर में हमें apostrophe s करना होगा. अगर नाउन प्लूरल होगा, s होगा उसके साथ, तब जाके हमें खाली apostrophe लगाना है लास्ट में. ठीक,
तो अब एक काम करिए, वन सेकेंड यू वॉच दैट वीडियो देयर, यू गो वन सेकेंड बैक, यू वॉच दैट वीडियो एंड देयर आर द सेंटेंसेस एंड यू शुड बी एबल टू डू दो सेंटेंसेस बाय योरसेल्फ. आप इसका अंदर बनने चाहे कि आप वो सेंटेंसेस खुद ही किया करो, ठीक है ना. एंड इफ यू हैव डाउट यू जस्ट कमेंट एंड आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस, व्हाट द क्वेश्चंस यू मे हैव. ओके, नाउ रिमेंबर वन थिंग, हियर इज वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. एक चीज आप याद रखिए, बट दैट इज यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो ये नाउन पोजिशन मैंने आपको कहा कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आता है. नॉन लिविंग थिंग्स है, जो नॉन लिविंग थिंग्स है इनके साथ पोजिशन नहीं आता है, ठीक है ना. पोजिशन इनके साथ नहीं आता है किनके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूंगा सेंटेंस द हैंडल ऑफ ए चेयर. देखिए यहां पे नाउन चेयर है, ये चेयर जो है ये नॉन लिविंग थिंग है. मैंने लिखा द हैंडल ऑफ ए चेयर, मैं ये नहीं लिख सकता हूं कि चेयर इज हैंडल. ये गलत है क्योंकि पोजेशन जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आता है, ठीक है ना. खाली लिविंग थिंग्स के साथ पोजेशन आता है, तो आप याद रखिए, ठीक है ना. तो आप फिर से देखिए इस लेसन को और फिर से हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.